Today we will study life history, or we can say life cycle of Aurelia. Aurelia basically phylum Cnidaria, or we can say phylum Coelenterata से belong करता है, और इसको commonly jellyfish बोला जाता है. Jellyfish जैसा नाम बताता है, fish तो ये कोई vertebrate fish नहीं होती है, बल्कि jelly-like content होने की वजह से Aurelia को jellyfish बोला जाता है. तो jellyfish नाम आया because of jelly-like content in it. Okay? सो ये यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल है ऑरेलिया का. ऑरेलिया में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशंस दोनों होती हैं अलग अलग, जस्ट लाइक ओबेलिया. एसेक्सुअल जो जनरेशन होती है वो पॉलिप फॉर्म्स होती हैं, और सेक्सुअल जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं मेड्यूसा फॉर्म्स. ओके, इसमें ऑरेलिया में हमारी जो डोमिनेंट फॉर्म होगी वो मेड्यूसा होती है, और यहाँ पे बडिंग होगी हमारी पॉलीफॉर्म में, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा वो होगा हमारा मेड्यूसा फॉर्म में. मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि डायोशियस होता है, दोनों ही जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होंगे. ओके, अब यहाँ पहले हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉलिप और मेड्यूसा का, उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की. तो ये पॉलिप है. पॉलीफॉर्म में यहाँ पे ऑरेलिया के अंदर पॉलीफॉर्म को स्ट्रोबिला बोला जाता है. ये स्ट्रोबिला है, और इसके अंदर ये इफायरे प्रेजेंट है. ठीक है, ये यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट इफायरे प्रेजेंट है. ये इसका यहाँ पे माउथ होगा, और यहाँ ऊपर सरफेस पे काफ़ी सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे. ओके, उसके बाद बात करें बेसिक स्ट्रक्चर मेड्यूसा फॉर्म का, तो ये एक मेल मेड्यूसा है और ये फीमेल मेड्यूसा है. ये एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ, यानी बीच में से कट करके जो एक सेक्शन है वो दिखाया हुआ है. मेल मेड्यूसा हो या फीमेल मेड्यूसा हो, उसके जो ऊपर वाला अम्ब्रेलर सरफेस होगा उस पर गोनेट्स प्रेजेंट होंगे, और गोनेट्स जो होंगे वो हॉर्स शू शेप्ड होंगे. ठीक है, फोर गोनेट्स प्रेजेंट होंगे, मेल में मेल गोनेट और फीमेल में फीमेल गोनेट्स. यानी यहाँ पे ये मेल गोनेट्स है. ओके, और इनसे रिलीज होगा स्पर्म. फीमेल गोनेट से रिलीज होगा हमारा ओवा. यहाँ पे इसमें जो ये मार्जिन होगा इस पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये छोटे छोटे काफ़ी सारे टेंटिकल्स हैं, और इसमें फोर ओरल आर्म्स प्रेजेंट होंगी. तो 1, 2, 3, 4 ये ओरल आर्म्स हैं. ओके, अब यहाँ पे फीमेल में इसको बीच से अगर हम कट कर दें तो वो सेक्शन दिखाया हुआ है, इसीलिए इसमें यहाँ पे हमें दो ओरल आर्म्स दिखाई दे रही हैं खाली. अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की. तो यहाँ पे फोर डिफरेंट फेजेज है जिनमें लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो मदर के अंदर होता है. ओके, यानी कि हम बोल रहे हैं कि पेरेंट बॉडी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हम उसमें पेरेंट बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बाहर होगा. और यहाँ पे ये जैसे कि सी में पाए जाते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो सी के अंदर होगा. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, क्या होगा, मेल गैमेट यानी स्पर्म रिलीज हुआ सी के अंदर, फीमेल गैमेट यानी ओवा रिलीज हुआ, दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे और आगे फर्दर फॉर्मेशन होगा. ठीक है, लेकिन अगर हमें बात करनी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो उसमें क्या होगा, मेल गैमेट रिलीज होगा फ्रॉम द माउथ ऑफ मेल मेड्यूसा. तो मेल मेड्यूसा के माउथ से पहले मेल गैमेट रिलीज होगा, उसके बाद वाटर करंट के थ्रू वो फीमेल मेड्यूसा के माउथ के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और वो फ्यूज करेगा विद द ओवा. यहाँ पे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है, फ्यूज करा ओवा के साथ और फॉर्मेशन हो गया जायगोट का. तो फिर वो मदर का जो माउथ होगा वापस से, उससे वो रिलीज होगा जायगोट, और आगे क्लीवेज होगा. ओके, सो इट वॉज अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्लीवेज होने के बाद टू सेल स्टेज आएगा, उसके बाद फोर सेल स्टेज आएगा, उसके बाद हमारा मोरूला का फॉर्मेशन होगा, और फिर ब्लास्टूला का. ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लैनुलर लार्वा. तो अब हम प्लैनुलर लार्वा के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. जायगोट के फॉर्मेशन के बाद हमें पता है क्लीवेज हो गया, टू सेल स्टेज आ गया, फोर सेल स्टेज आ गया, उसके बाद फॉर्मेशन होता है सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं मोरूला. सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड मोरूला. ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू सिंगल लेयर्ड सेल, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला.
तो ये मॉड्यूला का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे फोर सेल स्टेज किया, तो उसके बाद फॉर्मेशन हो गई ब्लास्टुला का। ये ब्लास्टुला का एक कट सेक्शन दिखाया हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला के अंदर की जो कैविटी होती है, जो कि फ्लूइड फिल्ड होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसियोल, और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो इसको लाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ओके, उसके बाद इन्वेजिनेशन होगा और ब्लास्टुला से फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा गैस्ट्रुला का। गैस्ट्रुला के बाद कहीं जाकर हमारा फॉर्मेशन होगा फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा का। क्या होगा, गैस्ट्रुला की जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं यानी कि जो आउटर सेल्स हैं वो सीलिया बियर करेंगी, उनके ऊपर सीलिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेशन होगा फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा का। और फ्री स्विमिंग होने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सीलिया की, इसीलिए इसकी बॉडी के जो आउटर लेयर है उस पर सीलिया प्रेजेंट होता है, ताकि ये प्लैनुला लार्वा जो है वो सी के अंदर फ्रीली स्विम कर सके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्काइफिस्टोमा। अब हम स्काइफिस्टोमा के डेवलपमेंट और फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा एक शॉर्ट फ्री एग्जिस्टेंस के बाद एक सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। तो ये प्लैनुला लार्वा है हमारा जो कि फ्री स्विमिंग है। उसके बाद इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये माउथ है, ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगा, माउथ है प्लैनुला लार्वा का यहाँ पे। ये एंटीरॉन कैविटी है, ये यहाँ पे अंदर की तरफ एंडोडर्मल सेल्स हैं, बाहर एक्टोडर्म है, और बीच में ये मीजोग्लिया प्रेजेंट है। जैसे ही इस प्लैनुला लार्वा को कोई सबस्ट्रेटम मिला, सबस्ट्रेटम होगा किसी भी स्टोन का सरफेस या किसी भी वीट का सरफेस, कोई भी इसको सरफेस मिला तो ये उससे आकर अटैच कर गया। यहाँ पे ये पूरा जो लाइन के इधर का पोर्शन है वो सारा सबस्ट्रेटम को शो कर रहा है। ओके, तो ये प्लैनुला लार्वा सबस्ट्रेटम पर आकर अटैच कर गया। उसके बाद क्या होगा, लार्वा इलोंगेट करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा और एक हाइड्रा लाइक पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं स्काइफिस्टोमा। तो यहाँ पे ये यंग स्काइफिस्टोमा दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, इफायरे लार्वा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होगा ये अराउंड 16 टेंटिकल्स होंगे। ओके, और इसको बोलेंगे शॉर्ट पॉलिप फॉर्म, जिसको हम बोल रहे हैं स्काइफिस्टोमा। अब क्या होगा, ऑटम और विंटर में स्काइफिस्टोमा बडिंग करेगा, जिस बडिंग के प्रोसेस को हम बोलेंगे स्ट्रोबिलेशन, ठीक है। स्काइफिस्टोमा की जो बडिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं उस प्रोसेस को स्ट्रोबिलेशन, और इसकी वजह से स्काइफिस्टोमा का कन्वर्ट हो जाएगा यंग स्ट्रोबिला में। जब भी स्ट्रोबिला एक स्ट्रक्चर होगा बेसिकली जिसपे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो स्काइफिस्टोमा विद अ सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रोबिला। स्काइफिस्टोमा विद अ सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रोबिला। ओके, और इसके हर एक सेगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, इफायरे लार्वा। आगे इसमें फिर प्रोडक्शन हुआ और किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, इफायरे, ये इफायरे, इफायरे बर्डिंग हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा इफायरे लार्वा का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इफायरे हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर स्ट्रैंड्स, और जब ये मस्कुलर स्ट्रैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, ये अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्री इफायरे है वो सी में चला जाता है। तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और फ्रीली सी के अंदर पहुँच जाएंगे। ओके, क्या होगा, समर्स के जब भी समर होंगी तो यहाँ पे बेसिकली बर्डिंग होगी पॉलीफॉर्म की, लेकिन जब भी विंटर्स आ जाएंगे तो स्ट्रोबिलेशन के प्रोसेस से फ्री फायरे का प्रोडक्शन होगा। इफायरे के पास 8 बाइफिड लोब्स होती हैं। उसके बाद क्या होगा, इसका फर्दर ये कुछ टाइम तक सी में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा यानी इसकी फॉर्म में चेंज आएगा, और ये जो इसकी बायफिड लॉब्स हैं धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे अलग स्ट्रक्चर्स में, जिसको क्योंकि इसको क्या किसका फॉर्मेशन करना है, बेसिकली इस मेड्यूसा फॉर्म का फॉर्मेशन करना है। तो जब भी फोर ओरल आर्म्स का और मार्जिनल टेंटिकल्स का प्रोडक्शन हो जाएगा इस फॉर्म पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मेड्यूसा फॉर्म। कुछ मेल मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ फीमेल मेड्यूसा में थ्रू मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरीके से पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑरेलिया। फाइनली एंड में आकर पूरा ऑरेलिया का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ऑरेलिया के अंदर ही जो मेड्यूसा है वो डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रहा है इफायरे का, जो जब फॉर्मेशन हो रहा है हमारा मेड्यूसा लार्वा का, ठीक है। इसमें और एक चीज़,
यहाँ पर एसेक्सुअल फॉर्म जो है वो सेक्सुअल फॉर्म को अल्टरनेट कर रही है, ठीक है, यानी कि मेटाजेनेसिस हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। पहले एसेक्सुअल फॉर्म होगी, फिर उससे सेक्सुअल फॉर्म आ जाएगी, तो ये सारी जनरेशन सेक्सुअल जनरेशन एसेक्सुअल जनरेशन से अल्टरनेट करे जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस। तो इस तरीके से ओरेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओरेलिया। इसमें यहाँ पे ये पूरा लाइफ साइकिल है, और ये नोट्स के लिए आपका ये वाला पूरा सेक्शन हो गया है, सो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका नोट्स के लिए।